कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तीसरे चक्र में बृहस्पतिवार को फ्रंटलाइन वर्करों का 5,460 लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 90% टीकाकरण हुआ। जिला अस्पताल में एडीजी अखिल कुमार ने टीका लगवाया। आपको बता दें, टीकाकरण के लिए 32 अस्पतालों में 48 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 4,931 फ्रंटलाइन वर्करों ने टीका लगवाया, जिसमें 4,428 पुरुष और 503 महिलाएं शामिल रही। जिनको वैक्सीन लग रही थी, उनके हेल्थ कार्ड पर उस वैक्सीन के नाम का जिक्र भी किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाकर निकटवर्ती बूथ पर वैक्सीन लगवा रहे थे। यह सुविधा केवल पुलिसकर्मियों को दी गई थी। इस बार के टीकाकरण में पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए पुलिसकर्मियों ने टीकाकरण कराया। इस संबंध में एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिनके भी मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, उन्हें तत्काल आगे आकर अपना टीका लगवाना चाहिए। पुलिसकर्मियों के 100% टीकाकरण के लिए मैंने जोन के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे और गोरखपुर जोन एडीजी अखिल कुमार ने कहा, बासठ 0846।
आज फ्रंटलाइन वर्कर्स का दूसरे दिन का टीकाकरण चल रहा था। पहला टीकाकरण जो हम तीसरे दिन का पहला टीकाकरण जो 11 और 12 तारीख में हुआ था और आज 18 तारीख में फरवरी को टीकाकरण चल रहा था। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स में रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग, PRI और हमारा नगर निगम विभाग, चारों विभागों का टीकाकरण हो रहा था। कुल हमारे 32 अस्पतालों में 48 बूथों पर टीकाकरण हुआ है और अभी तक हमारी जो लक्ष्य था 5460 का लक्ष्य था और करीब 4000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है। 80% के ऊपर हम टीकाकरण कर चुके हैं। अभी भी टीकाकरण चल रहा है और हम आशा करते हैं कि हमारा 90% तक टीकाकरण हो जाए। अब विशेष सहूलियत दी गई थी कि एडान बेनिफिशरी की तरह से दिया गया था कि जो पहले से इनरोल हैं वो अगर उनके पास मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं गया है या उनका साइट क्रिएशन नहीं हो पाया है तो आ करके अपना मोबाइल नंबर बता दें और उससे ट्रेस करके हम लोग उसका टीकाकरण किए, जिससे बहुत लोग सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। सर कल भी टीकाकरण होना है? कल स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण होना है। जिनका 22 जनवरी को पहला टीकाकरण हुआ था उनका दूसरा डोज कल लगेगा। उसमें नए लोगों का, कुछ लोगों का हो सकता है जो छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, बाकी पुराने ही लोगों का सेकेंड डोज का टीकाकरण होगा। अभी 22 तारीख की कुछ बातें चल रही हैं और शासन स्तर पर डिसाइड हो जाएगा 22 तारीख को कैसे होना है। बहुत अच्छी तरह टीकाकरण होगा। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस असीम कुमार साहब ने टीकाकरण कराया और बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अभी हमने वार्तालाप किया तो बिल्कुल ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिसकर्मी लाइन लगा कर टीकाकरण करा रहे थे और परसेंटेज उनका काफ़ी अच्छा गया है। कोई भी इफेक्ट पता नहीं लगा। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि सभी लोगों को टीका लगाना चाहिए और सरकार ने व्यवस्था कर दी है। मैं पुलिसकर्मियों का भी मॉनिटर करूंगा। हमारे यहाँ विशेष रूप से गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर अच्छा किया है मैं रेंज में, और गोरखपुर और महाराजगंज थोड़े पीछे हैं। मैंने दोनों SSPs को कहा है कि सभी पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करें। काफ़ी हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने भी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में लोग पहुंच के लगा रहे हैं। तो मैं आज ही फिर से SSP से और यहाँ के RI से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करूँगा, क्योंकि वॉलंटरी है कि उसमें आए। ये एक अच्छी मिशन सरकार ने शुरू की है और हम सुरक्षित रहेंगे। एक प्रायोरिटी दी है पुलिस एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसका हम लाभ उठाएं ताकि हम जनता की सेवा और निर्भीक होकर कर सकें। देखिए, इसमें हम पर्सनल एग्जांपल बन के ही आगे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी मेजर इंसिडेंट या ऐसी बात साइंटिफिकली प्रूव एविडेंस नहीं आई है अभी तक। तो अफवाहें इस वक्त ना फैलाएं, लोग विश्वास करें। सरकारें जब फैसला लेती हैं तो जनहित में लेती हैं, वो सारी जनता की ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको कोई हेल्थ एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो। और एक हमारे टॉप साइंटिस्ट जो कंट्री के हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है, तो हमें अपने साइंटिस्ट पे, अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए। और ये मेडिसिंस जो वैक्सीन्स हैं वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेबिलिटी इनकी बनती जा रही है, तो भ्रांतियाँ दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन वैक्सीन्स का लाभ उठाएँ।